वालेकुम दोस्तों, हम मुलाकात सरलोक्रम से बिल्कुल ठीक है। और अल्लाह पाक की पाक बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे व्यूवर्स को खुश रखे, इस दुआ के साथ करते हैं आज के ब्लॉग का आगाज़। तो दोस्तों, आज जो है ना सुबह सुबह बहुत ही मौसम सुहाना हुआ हुआ है, क्योंकि ये देखें कि हमारे यहाँ रात से बारिश हो रही है और हल्की हल्की बारिश चल रही है, बहुत ही मज़े का मौसम हुआ हुआ है। तो सबसे पहले आप गुड मॉर्निंग करते हैं और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मज़ीद व्लॉग में आज आगे जाने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर नया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त, टाइम जो है ना वो हो चुका है 6:05, और बच्चा लोग जो है ना ये देखें, ये अभी तक सारे जो है ना सोए पड़े हैं, और बच्चे बड़े सारे जो है ना वो सोए पड़े हैं। मोहम्मद अंस जो है ना वो अभी उठ चुका है। अंस उठ जाओ और स्कूल की तैयारी करो, क्योंकि मौसम जो है ना ठंडा ठंडा था, बाहर बारिश चल रही, बाहर निकल हो रहा था, इसलिए आज नाश्ता भी जो है ना हो सकता है लेट हो जाए और स्कूल जाने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इस बारिश के मौसम में ना तो बाइक चलेगी और बैग वगैरह जो है ना वो भी सारे भीग सकते हैं। इसलिए जो है ना शायद हो सकता है स्कूल जाने में कुछ मसला हो सके या छुट्टी भी हो सकती है। तो बच्चों को मज़ीद उठाते हैं, नाश्ता वगैरह तैयार करते हैं। ईमान फातिमा मानूर उठ जाओ, और बेगम साहिबा जो है ना वो भी सो रही हैं, उठ जाओ भैया आप भी उठ जाओ। टाइम कितना हो गया है, 6:15 हो गए हैं, 6 से ऊपर टाइम हो गया, उठ जाओ। और हमारा जो मिट्टू राजा है ना, वो मिट्टू ये देखें माशाल्लाह, ये कैसे जो है ना ये रिस्पेक्टेड मूड में इस वक्त जो है ना खड़ा है। मिठू मिठू ये देखें, ये बहुत जो है ना प्यारा जो है ना वो माशाल्लाह से उठ गई हैं। और बच्चों का ये हाल है कि एक बच्चा इस साइड पर होता है चारपाई पे और दूसरा बच्चा इस साइड पर होता है, तो दरमियान में सोना देखें ये कितना मुश्किल है। बंदा साइड भी चेंज नहीं कर सकता, इतना मुश्किल जो है ना वो सोना हो जाता है। लेकिन बच्चों की क्या बात है भाई, आपको पता है कि बच्चे तो अपना सिस्टम इस तरह से ही रखते हैं, और बाकी जो है ना ऐसा ऐसा अपनी मर्ज़ी से उठेंगे। तो आप व्यूअर से इस्लाम दुआ कर लें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मदानस का काम देखें ये इसने जो है ना अपने सिराने के नीचे ये पंखा रखा हुआ था छोटा सा। इस पंखे का जो फंक्शन है ना वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये यहाँ पर प्ले हो गया, ये इसकी रेस जो है ना यहाँ पर कम है, यहाँ पर मज़ीद तेज़ हो गई, यहाँ पे मज़ीद तेज़ होगी, यहाँ पे ये देखें इसमें डलता है चार्जिंग वाला सेल, और यहाँ पे इसमें एक लाइट छोटी सी दी हुई है, पंखा बंद हो जाता है, यहाँ पे ये ऑफ हो जाता है, ये चार्ज होता है भाई। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये, हमें गिफ्ट मिला था, इनके मामू ने इन्हें गिफ्ट दिया था। और कौन उठ गया है भाई? दुआ फातिमा माशाल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। हाँ वो सलाम ले रही है भी, अस्सलाम वालेकुम। दुआ फातिमा क्या हाल है, ठीक हो? उठ जाओ, नाश्ता नहीं करना, आपने खाना नहीं खाना है भाई। ये बच्चों का कुछ सोने उठने का सीन इस तरह सा ही होता है। तो आज अभी जल्दी से नाश्ता बनाओ, और आज बच्चों के स्कूल जाने का क्या प्रोग्राम है। ईमान फातिमा भी जो है ना, ईमान ईमान फातिमा ईमान उठ जाओ बेटा, टाइम हो गया, टाइम 6 से ऊपर हो गया टाइम, पूरे 7 बजे स्कूल जाना है, तो आप जल्दी कर लें भाई। आज नाश्ते का जो है ना वो मुझे और स्कूल जाने का टाइम मुझे बहुत मुश्किल सा महसूस हो रहा है, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, कि बच्चों के बैग ही ना भीग जाए, रास्ता भी ख़राब है। हमारा रिक्शा जो है ना वो भी, ये देखें हमारी लैम्बोजीन वो सारी भीग चुकी है साइडों से, ऊपर से तिरपाल लगी हुई लेकिन साइडों से भीग चुकी है, लकड़ियाँ हमारी सारी बिक चुकी हैं। लेकिन खाना हमें जो है ना अंदर बनाना पड़ेगा ना, खाना अंदर पड़ी हैं सूखी लकड़ियाँ, चलो आप वहाँ जाकर खाना बना ले, फिर ये भी फ़ायदा हो गया, क्योंकि वो डक्के जो है ना जो भट्टी में जलाते हैं वो अंदर ही पड़े हैं मेरे ख्याल में, बाहर वाली तो सारी बिक गई हैं ना, रात से खराब था ना। हाँ, और ये देखें जी, ये बारिश में हमारे पौधे जो है ना वो कैसे खिले खिले हो गए हैं, ऊपर से धूल मट्टी सारी साफ़ हो चुकी है और कैसे खिले खिले हो गए हैं सारे पौधे। और ये हमारी तिरपाल में जो है ना वो पानी इकट्ठा हो गया है। ठहरो भाई, ठहरो 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 ठहरो,
इतना ज्यादा पानी ऊपर जमा हो गया था। ये देखो इतना पानी इकट्ठा हो गया था। और ये देखो इतना पानी इकट्ठा हो गया। आपने तो नीचे से ब्रश भी इतना सीमेंट उखड़ गया है पानी का जोर से गिरा है। असल में वजह ये बनी है कि वो हमारा जो रस्सा है ना वो सट उठ गया है, इसलिए त्रिपाल का पानी जो है ना इसमें वो सारे इकट्ठा हो गया। इधर से ये टूट गई। मेरे तो ख्याल में रस्सी को बांध दे। ऊपर कैसे जाओगे? ऊपर चला जाऊंगा। बचा जाता पापा। मोहम्मद अंस ने पकड़ा लिए हमको। जी तो रस्सी हमने खींच कर बांध दिया है क्योंकि इसमें जो ये ढील थी ना वो ढील निकल गई। अब उम्मीद है इंशाल्लाह इसमें पानी खड़ा नहीं होगा। और मेरे कपड़े जो है ना वो सारे भीग चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये काम बेहतर हो गया क्योंकि रक्षा में जो है ना जंग लग जाना। जी तो बच्चों के स्कूल में है पार्टी और लड़कियों के स्कूल में, तो मोहम्मद अंस के स्कूल में पहले पार्टी हो चुकी है और ईमान फातिमा और मानू फातिमा के स्कूल में पार्टी है। तो उन्होंने कहा है कि हमारी सब दोस्तों ने जो है ना चीज़ें बनाकर लानी हैं, तो उनके मम्मा ने उनके लिए भी कस्टर्ड जो है ना बनाकर वो डेकोरेट कर दिया है। अब इसको फ्रीज करते हैं और सुबह तक ये बड़ा मज़े का कस्टर्ड तैयार हो जाएगा। अब मैं भी शॉप ओपन करता हूं और अल्लाह को याद करते हैं, रोज़ी रोटी कमाते हैं। और हमारे घर में जो है ना आ गया है एक नन्ना चमगादड़। ये देखें ये कितना जो है ना चुस्त चलाक है, और इसको जो है ना ये बाहर कहीं से आ गया है। इसको पंजाबी में चमचिट्ठी भी बोलते हैं और ये बच्चे इससे बहुत डरते हैं। और ये देखें हरकत करती है, और जब ये उड़ती है ना तो उस वक्त बहुत खौफ आता है। बच्चे तो अपने कानों में जो उंगलियां डाल लेते हैं वो कहते हैं कि हमारे कानों में चली जाएगी। वो देखें ये मुंह भी खोल रही है, ये मुंह इसका है और ये मुंह भी कैसे खोल रही है। अच्छा एक ये बड़ा चमगादड़ होता है जो बाहर जंगलों में रहता है, ये अक्सर घरों में रहता है। ये छोटे वाला चमगादड़ जो होता है ना ये घरों में रहता है। हमारी मिर्चें ना ये पकना शुरू हो गई हैं, और लाल लाल इसमें मिर्चें थी वो कहाँ गए भाई? हमारी मिर्चें हाँ ये खड़ी हैं, ये देखें ये लाल लाल मिर्चें जो है ना बनना शुरू हो गई। ये सब्ज मिर्चें भी खड़ी हैं और कैसे धुलकर जो है ना वो साफ़ हो चुकी हैं। ऊपर पानी इनके लगा हुआ है, ये देखें ये भी लाल हो गई है। अब ये देखें त्रिपाल खींच कर बांध दिए तो पानी नीचे आ रहा है। ये देखें पहले ऊपर इकट्ठा हो गया था लेकिन अब नीचे आ रहा है। और चलते हैं जी हमारे किचन शरीफ में। बेगम साहबा जो है ना वो नाश्ते का जो है ना वो बंदोबस्त कर रही हैं। आग नहीं जलाई अभी तक, लकड़ियाँ इकट्ठी जो वो की जा रही हैं। पहले रात को हमने अंदर रखी हुई थी क्योंकि हमारी ये जो भट्टी है ना इसमें सिर्फ ये छोटे छोटे डक्के जलते हैं लकड़ियों के, तो अब आग जलाने लगी हैं। नाश्ता वगैरह अभी आटा भी नहीं गूंदा, जल्दी कर ले, आज बच्चों को लेट हो जानी है। बारिश कुछ रुक गई है तो कोशिश करते हैं कि बारिश क्योंकि आज है बच्चों की पाल्टी स्कूल में, तो आज उनकी पार्टी का जो को सीन होने वाला है वो पार्टी जो है ना वो आपको खुद समझ सकते हैं कि बारिश में क्या सीन होने वाला है। रात को बच्चों के लिए कस्टर्ड बनाया था उनकी पार्टी के लिए, तो हर बच्चे ने अपने अपने घर से कोई चीज़ ले जानी है। तो हमारे बच्चों ने फरमाइश की थी कि हमें कस्टर्ड बना कर दे दो, तो कस्टर्ड हमने बना कर दे दिया था। अब बच्चों की किस्मत वहाँ पहुँचते हैं, यानी अगर तेज़ बारिश आ गई तो फिर नहीं पहुँच पाएंगे। कुछ तो बनेगा ही ना। हाँ जाने में दिक्कत होगी थोड़ी सी, बस ये रोड के नज़दीक जाने तक हमें थोड़ी परेशानी होगी और आगे जो कच्चा रास्ता है वहाँ पे परेशानी होगी, बाकी तो अल्लाह खैर करेगा, कोशिश करके पहुँच जाएंगे। आप जल्दी से नाश्ता बनाएं।
हमारी जो है ना मटको रानी वो उठ खड़ी हुई है, और ये देखे दरवाजे के पीछे चुप खड़ी हुई। क्या हुआ भाई? बच्चों के स्कूल की तैयारी जो है ना वो हो चुकी है। मानूर आपने तैयारी कर ली है? दुआ को उठाकर वो अंदर ला रही है बारिश में। तो ये उनका सामान जो है ना वो भी पैक हो गया है। हाँ, और कस्टर्ड चेक करो कैसे बना है। रात से लाइट तो बंद है। और ये देखिए माशाल्लाह से ये कस्टर्ड जो है ना ये तैयार हो चुका है। और दूसरे वाला ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कस्टर्ड जो है ना वो तैयार हो गया है। और देखते ही जिसको जो है ना मुंह में पानी आना शुरू हो गया है। और साथ में क्या दिया है? ये बच्चों ने स्कूल जाना है, ये बच्चों ने स्कूल जाना है, ये मान के लिए और ये मानूर के लिए। तो ये सारा आप खा जाएंगी? आप खा जाएंगी अकेली अकेली? और तो कितने बच्चों के लिए ये? तो आठ की आपने पार्टी करनी है और दूसरे बच्चों की? दूसरे बच्चों का अलग ग्रुप है। अच्छा, ये आठ बच्चों का ये ग्रुप बना हुआ है, आठ बच्चों का जो है ना इन्होंने पार्टी करनी है। तो आपने किसी ने नहीं, आपको भी किसी ने खिलाना है या आपने खिलाना है सिर्फ? खिलाना है। किसने? एक दोस्तों ने। अच्छा, उन्होंने क्या लाना है? तो इसमें साथ ये प्लेट चम्मच वगैरह ये सारे चम्मच प्लेट ग्लास वगैरह डाल दिया। अच्छा चलो मोहम्मद अंस, आपकी तैयारी होगी? तैयारी होगी आपकी स्कूल की? हाँ। चलो भाग चलो। तो अभी थोड़ी थोड़ी चल रही है और मौसम जो है ना बिल्कुल गहरे जो है ना वो बादल छाए हुए हैं। अभी मौसम साफ होने के कोई चांस नहीं है, लेकिन बच्चों को स्कूल छोड़ने चलते हैं तो फिर आके आपसे गपशप लगाते हैं। तो व्यूअर्स, बच्चों को छोड़कर आ चुका हूँ और ये जो सीन है मेरा ये आपके सामने है, क्योंकि बाहर हो रही थी बारिश और कीचड़ था। तो कीचड़ में जो थे जो है ना आप हमारा हाल देख सकते हैं। काफी अच्छी हालत हो चुकी है आपकी। तो ये बारिश में कुछ इस तरह सीन था, लेकिन आज जाना मजबूरी भी था क्योंकि बच्चों की आई थी पार्टी। तो चलते हैं, अब हम घर में पार्टी करते हैं और करते हैं नाश्ता। मैं आपको एक बात बताऊं, आज मजबूरी होगी है क्योंकि आप बड़े और बाप बन चुके हैं। कोई वक्त ऐसा भी था कि आप खुद नहाते थे बारिश में। हाँ, ये तो था। मैं जब छोटा था ना तो मैं बारिश में बहुत शौक से नहाया करता था। तो आज मजबूरी बन गई। आज मजबूरी बन गई। सीरत फातिमा इधर देखना, सीरत फातिमा की हालत देखो। ये उठी है और इसने चुटिया भी नहीं बनवाई और जूता भी नहीं पहना। ये देखे, ये दिखा रही है कि मैंने चुटिया नहीं बनवाई। आपके इंतजार में आप आए और वो भी खाना खाए। दुआ फातिमा कस्टर्ड के इंतजार में बैठी है। आपने खाना खाना है? कस्टर्ड खाया है? सीरत फातिमा नहीं खा रही। चलें भाई, हमारा माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। और रात को हमने बनाया था तोरी का सालन। देसी तोरी जो होती है ना ये खाने में बहुत मज़ेदार बनती है। तो ये सालन हमने बनाया था। नाश्ता शुरू करते हैं और फिर चलते हैं, अपनी दिन भर की रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे। तो नाश्ता माशाल्लाह से हमने कर लिया है और अब बारी आ गई कस्टर्ड की। ये कस्टर्ड इसमें से खाया किसने? मोहम्मद अंस और सीरत फातिमा, हमारी मटको रानी जो है ना, उन्होंने कस्टर्ड खा लिया है और अब है हमारी बारी। इसको डिश आउट करो भाई। मजेदार अपने खाना है। तो मजेदार किस्म का जी ना कस्टर्ड हमारा माशाल्लाह से तैयार हो गया है और अब भी इसको टेस्ट करना यकीन माने बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत मज़ा, ज़बरदस्त ना, मज़ेदार मज़ेदार। मोहम्मद अंस स्कूल से जल्दी, क्या हुआ? टीचर नहीं आई? मौजे मान गई फिर तो, आज भी छुट्टी हो गई। चलो घर जाके मौजे करो। जी दोस्तों, ये थी बरसती बारिश में हमारी सुबह की रूटीन। उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो दोस्त हमारे चैनल पर नया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर किसी अच्छी ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।